डी के विद्यार्थी हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, तो उसके बाद ये क्यूरियोसिटी होगी, ये जानने की इच्छा भी होगी, क्योंकि आगे भी सब चीजें क्लियर करनी है कि सर पेट में यानी फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, और बात करें आगे तो मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, चीजों को हम लोग कैसे समझें कि वहां पर जाने के बाद जो पीईटी है और मेडिकल है सक्सेसफुल ढंग से उसको क्वालिफाई कर पाए, ताकि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है। तो जी हाँ, इस बात की पूरी जानकारी के साथ मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में स्वागत करता हूं, और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, एक एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक, तो यहां पर मैं आपको ग्रुप डी के सभी बच्चों को जो कि फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। शुरुआत करता हूं कि फिजिकल में आपको क्या करना है। तो जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं कि शुरुआत में जो दौड़ने की बात होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, कितना दौड़ना है विथ वेट के साथ, वजन के साथ आपको कितना दौड़ना है। तो अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं वजन के साथ, तो भैया आपको 35 किलो वजन उठा के दौड़ना है, 35 किलो वजन उठा के साथ आपको रनिंग जो करनी है वो 100 मीटर की करनी है, और इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। पुरुष कैंडिडेट यानी मेल कैंडिडेट इस बात को ध्यान से सुन ले, 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर रनिंग करनी है, 2 मिनट का समय होगा, और चांस जो होगा वो सिंगल चांस होगा एक ही बार में, ऐसा नहीं कि दौड़े और फिर रुक गए और फिर दौड़ लिए, नहीं, 2 मिनट सिंगल चांस, रुकना नहीं है। और यहां पर जो वजन होगा आपको 35 किलो का उठाने के लिए, वो आपको स्वयं उठाना है, इसके लिए ये नहीं कि आपको कोई व्यक्ति है वो आपको मदद करने वाला, जी नहीं, आपको वजन स्वयं उठा के दौड़ना है। और जब आप ये वजन उठा के दौड़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि वजन को सर पे रख के मत दौड़िएगा, वजन को कंधे पे रख के दौड़ना है, ठीक है, याद रखना भाई। सर पे रख के दौड़ने से हो सकता है 35 किलो के वजन से आपके गर्दन में कोई तकलीफ हो जाए और आगे आप मेडिकल में अनफिट हो जाओ या कुछ भी हो सकता है, तो वजन को कंधे में, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, वजन को कंधे पे रख के दौड़ना है। आपको जो वजन दिया जाएगा 35 किलो का जो भार दिया जाएगा, वो भार आपको जमीन से उठाना होगा। कई कई जगह पर ये भार जो है किसी एक ऊंचाई पर रखा होता है या टेबल पर रखा होता है, तो आपको उठाना स्वयं ही होगा, और इस भार में मैक्सिमम आपको बालू भरकर दी जाएगी, कोई भी ऐसा कंकड़े पत्थर भर के नहीं दिया जाएगा या कोई भी ऐसा सॉलिड वेट नहीं दिया जाएगा, वेट ऐसा होगा जिसे आप कंधे पर रखें तो कंधों पर कोई प्रभाव ना पड़े, लचक होगी उस वजन में। तो मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर बोर्ड जो है बालू का इस्तेमाल करते हैं इस वजन के लिए, बालू का, या उसी में थोड़ी मिट्टी हो जाती है, बस इतना वजन का इस्तेमाल करता हूं। और भाई सिंगल चांस में दौड़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कि जब आपने वजन उठा लिया या वजन उठाने के लिए बोला गया तो आपका समय चालू है, जी नहीं, जब आप वजन उठा के कंधे पे रख लेंगे, स्टार्टिंग लाइन पर हो जाएगा, तब 1 घंटी बजेगी और फिर आपको दौड़ना शुरू होगा, आपका समय वहां से शुरू होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट अगर की बात करता हूं, तो फीमेल कैंडिडेट यहां पर ध्यान दे, आपको सिर्फ 20 किलो का वजन उठाना है, ठीक, कई 20 किलो इनका वजन, ये कई कई लड़कियां बिल्कुल पतली सी होती है ना, दिमाग अच्छा होता है लेकिन शरीर बड़ा दुबला होता है, तो उनके लिए वजन 15 किलो कम किया गया, 20 किलो का वजन उठा के दौड़ना आपको भी 100 मीटर ही है, और आपके लिए समय जो है वो भी 2 मिनट का ही है, समय दोनों के लिए बराबर है, बस क्या है कि यहां पर वजन लड़कों के लिए ज्यादा है, महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए कम है। चांस आपको भी सिंगल चांस ही मिलेगा, एकदम कोई पतरकी लड़की हो, पता चला वो वजन उठाए हो भट से गिर जाए रास्ते में दौड़ना, फिर उठा के दौड़ना शुरू करे, नहीं, सिंगल चांस में एक टेक में आपको शूट करना है, एक टेक में आपको अपने गंतव्य तक 100 मीटर तक पहुंचना है, ठीक। ये बात हो गई वजन के साथ पुरुष और महिलाओं की। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर अगर बात करता हूं कि बिना वजन उठाए दूसरा स्टेप सभी लोगों के लिए ये होगा फिजिकल का, ये दूसरा स्टेप है, याद रखिएगा, पहले स्टेप में आपको वजन के साथ दौड़ना है और दूसरे स्टेप में आपको बिना वजन के साथ दौड़ना है। तो जब आप बिना वजन के साथ दौड़ेंगे तो पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुष 1000 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस जो है वो करनी है, लेकिन 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, आप 1000 मीटर की रनिंग मत करिए, आप रनिंग करिए कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की, इसकी प्रैक्टिस करिए, तब आप 1000 मीटर आसानी से दौड़ पाएंगे, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड का, पुरुषों की बात कर रहा हूं, और ये कंप्लीट करना है आपको सिर्फ एक टेक में, एक सिंगल चांस में, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। महिलाओं के लिए रनिंग की बात की जाए तो रनिंग की जो डिस्टेंस है वो सेम है, यहां पर महिलाओं को भी 1000 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनका टाइम जो होगा वो 5 मिनट 40 सेकंड का होगा,
महिलाओं को सेम रनिंग करनी है 5 मिनट 40 सेकंड में, जबकि पुरुषों को यानी मेल कैंडिडेट को रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। और चांस जो है यहां पे महिलाओं को भी सिंगल ही मिलेगा, एक ही चांस में आपको ये रनिंग करनी है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पर सभी तैयार खड़े होंगे बच्चे दौड़ने के लिए, तब एक बेल बजेगी और उस बेल के साथ आपके 4 मिनट 15 सेकंड शुरू हो जाएंगे, महिलाओं के 5 मिनट 40 सेकंड शुरू हो जाएंगे। और वहां से दौड़ते हुए आपको 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। ये विदाउट वेट की बात हो रही, बिना वजन के साथ आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो पुरुष हो या महिला, जो भी बच्चे पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ 1000 मीटर की रनिंग मत करिएगा, आप रनिंग करिएगा कम से कम 2.5 से 2 किलोमीटर की, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और शुरुआत में ही, चलो ये आगे की बात है उस पर बात करता हूं। बात करते हैं अब यहां से मेडिकल एग्जाम की। मेडिकल एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं, तो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो 4थे और 5वें लेवल का होता है, यानी पुरुषों के लिए जो मेडिकल होगा वो B2 लेवल का होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए जो मेडिकल होगा वो C1 कैटेगरी का होगा। इसके विषय में अभी मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सारे मेडिकल बताता हूं कि उसमें क्या क्या होगा, फिर मैं आपको आगे की चीजें को समझा दूंगा इसमें मेडिकल में, ठीक है। मैं इधर फिलहाल वापस चलता हूं, आगे आता हूं। जब आपका आई टेस्ट होगा, आई साइट का टेस्ट होगा, यानी आंखों की रोशनी का टेस्ट होगा, बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो पहला जो टेस्ट होगा उसमें आंखें जो है 6x6 हो तो बहुत अच्छा है, और या 6x9 हो तो भी चलेगा, दोनों आंखों की दृष्टि जो है 6x6 हो या 6x9 हो बहुत अच्छा है। आपके जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं सब पूछ बताएंगे। देखो ये बड़े वाले लेटर तो बड़ी आसानी से पढ़े जा सकते हैं, यहाँ पे लेटर हो सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है वहां पे, जैसे पूछा बता पहली लाइन का लिखा है तो बता दोगे ई है, ई पी है, टी ओ जेड है, एल पी ई डी है। कई बार ये नहीं पूछता है कि कौन सा लेटर लिखा है, बताएगा सबसे पहले पूछेगा कि जो ऊपर सबसे लिखा है ना उसका मुंह किधर है, दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ है, ऊपर है, नीचे है, क्या बताओगे, 10 दिशाओं में कौन सी दिशाओं में। तो आप बताइएगा कि अगर आप ऐसे सामने देख रहे हैं तो आप क्या बताएंगे कि जो पहला लेटर लिखा है उसका मुंह हमारे दाहिनी तरफ है। ऐसा मत बोल देना कि अगर वो सामने खड़ा है एग्जामिनर आपके पीछे खड़ा है, पता चला उसका मुंह उसका उस तरफ है, उस तरफ पीछे की तरफ, तो आपका जो दाहिना होगा ना वो उसका बायां होगा। आप अपने बोलना, ऐसे बोलना कि पहले लेटर का मुंह हमारे यानी मेरे दाहिनी तरफ है, बोलो, ठीक है। नहीं तो अगर सीधे सीधे ये पूछ दे कौन सा लेटर लिखा है तो बात आसान हो जाएगी। यहां पर दृष्टि दोष बात होती है 6x6 की, और सबसे आखिरी वाला हो जाएगा आपका 6x9 वाला। तो आखिरी की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, आंखों की जांच जरूर करा लीजिएगा, ये है दूर दृष्टि दोष में, यानी कि जब दूर आप चीजों को दिखाकर पूछेगा दूरी पर, जैसा चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं ना, या देखे होंगे कभी, तो दूर एक टीवी लगी होती है उसका रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ता तो पूछता है ना बता ऊपर का लिखा है, या चूल्हा ऐसे चक्कियां बनी होती हैं उसमें बताओ किधर मुंह खुला है, होता है ना। आगे बात कर लेते हैं, जब आप नियर विजन टेस्ट में देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष या निकट चीजों को देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें आप चीजों को आराम से साफ साफ देख सकते हो। तो आपके सामने किताब रख देगा, मान लीजिए ये लिख दिया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके सामने किताब रख दिया, आप बोला चलो पढ़ा चला ऊपर का लिखा है, तो पढ़ेगा, पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि लाइन से पूछ दिया बताओ, हो सकता है पूछ दे लेकिन ये पूछ देगा बता ऊपर की तीसरी लाइन में, ऊपर से जो तीसरी लाइन है उसमें तीसरा लेटर कौन सा लिखा है, तो बताना होगा एस, या ये पूछ देगा कि जब आप पढ़ रहे होगे तो बोला नीचे से जो चौथी लाइन है, नीचे से जो सातवीं लाइन है उसमें बता दूसरा लेटर कौन सा लिखा, तो आप बताएंगे डी। कई बार यहां पर लेटर नहीं लिखे होते हैं, कई बार यहां इमेज आपको मिलेगी जानवर की, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सबकी इमेज मिल सकती है, तो पूछ देगा ऊपर वाली लाइन जो है ना, ऊपर वाली लाइन में आपके दाहिने से तीसरा जानवर कौन सा है, ऊपर वाली लाइन में आपके तीसरे से तीसरा जानवर कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि हाँ घोड़ा बना था। इमेज होंगी छोटी छोटी, कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर, देखने के लिए जो पास की दूरी होती है वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है ना, तो इतनी दूरी पर आपको चीज रख के पूछेगा कि बता कौन से जानवर है। आपके किताब में किताब नहीं खुली रहेगी कि परमानेंट खुली, तब तो देख के आसानी से बता देगा ना बाबू, आपके सामने क्या रहेगा, देखा आपने लाइन देख, बोला लाइन देख ले ऊपर से, बोला हाँ लाइन देख ले, अब बंद कर दिया, हो सकता है ऐसा कर दे, कई कई बोर्ड में करता है। अब पूछा बता ऊपर वाली लाइन में तीसरा जानवर कौन सा, तो आप बताएंगे तीसरा जानवर कौन सा है, या तीसरा लेटर कौन सा है, अल्फाबेट हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ता हूं, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है,
किसका? कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट के लिए, इसकी जानकारी आप अच्छे से रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, आपसे पूछता है वर्णांधता तो नहीं है कहीं, कलर पहचान पा रहे ना। तो सबसे पहला नॉर्मल विजन का टेस्ट होता है, बिल्कुल आसानी से पूछेगा बता इस गोले में जो आपको बुंदु बुंदु दिख रहे हैं उससे कौन सा अंक लिखा है। आप अगर समझ गए तो बोले सर छह लिखा है, छह लिखा है, या पूछ देगा चला उसी के ऊपर जरा आपका क्या काम है, आपको बोल देगा चला उसी के ऊपर जो तुमको अंक दिखाई दे रहा उसी को दोहरा दे, तो आप बोलोगे छह बन गया भाई। दूसरा टेस्ट हो जाता है प्रोटेनोप विजन, तीसरा होता है ड्यूटेरेनोप विजन, तीसरा होता है ट्राइटेनोप विजन। अब क्या होता है, इन बीमारियों से जो बच्चे ग्रसित होते हैं जब उसको इस विजन का दृष्टि दोष होता है ना प्रोटेनोप का, तो उसको रेड को समझने में, लाल रंग दिखने में मुश्किल होता है। अब हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर लाल रंग है ही या नहीं, जिसको दोष होगा उसको लाल रंग दिखता नहीं, उसके लाल रंग में देखने में उसको समस्या आती है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारा किताब आती है मार्केट में जिसमें इसी सब चीजों पर डिपेंड करते हैं चीजें, बहुत सारी पिक्चर होती है विजन टेस्ट के लिए। दूसरा होता है ड्यूटेरेनोप विजन, इसमें क्या होता है बच्चे को ग्रीन लाइट नहीं समझ में आती, पूछ समझ में ही नहीं आता कि ग्रीन है इसमें नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तीसरा होता है ट्राइटेनोप विजन, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना। ट्राइटेनोप विजन से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको ब्लू और ग्रीन लाइट एक साथ देखने में उन्हें लगता है ये बैगनी चल रहा है, ब्लू और ग्रीन मिलाकर बैगनी, उन्हें लगता है बैगनी है, नहीं होता ऐसा। अभी हमने पूछा कि हाँ बता कौन सा अक्षर लिखा या कौन सा लेटर लिखा, तो बोला कि छा लिखा सर, या फिर घुमा दे इसी को छा बन गया। तो हमें तो कोई विजन टेस्ट का मतलब कोई दोष नहीं है, हमें भी समझ में आ रहा है। आप लोग भी जितने लोग देख रहे हो ना तो उसको बना बता यहां क्या लिखा है इसमें समझने में, बोले सर अगर बिल्कुल क्लियर है तो समझ में आ गया सर 74 लिखा है यहां पे, सर कुछ नहीं है हमें रेड लाइट बिल्कुल दिख ही नहीं रही, यहां पे समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं लिखा, इसमें भी कुछ नहीं लिखा, बोले यहां बोले सर 74 लिखा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी चौपतिया टाइप की किताबें आती हैं मार्केट में, बुक्स आती हैं बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक चीज को लेकर अपने विजन को चेक कर सकते हो, या फिर किसी डॉक्टर की सलाह लेकर अगर है आपको ऐसा लगता है तो उसका अभी इलाज कर सकते हो, क्योंकि ये जो मेडिकल टेस्ट होना है ना ये फरवरी तक होना है, तो अभी बहुत समय है, आराम से आप जो है अपने उसको कर सकते हो। अगर वो हो जाए क्योर तो उसका इलाज हो सकता हो, डॉक्टर से बात पूछ लेना, ये नहीं तुमको वो टहलाता रहे तुम टहलते रहो, बात समझे भैया। आगे बात कर लेते हैं, जब अदर टेस्ट की बात आएगी तो सबसे पहला यहां पर जो मेडिकल में आपके पास टेस्ट होंगे उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है एक्सरे का, यानी यहां पे ईसीजी भी होगा आपका, अगर बोर्ड कराना चाहे तो ईसीजी भी करा सकता है, एक्सरे भी करा सकता है। एक्सरे करा के देखेगा टूटा फूटा तो नहीं है ना अंदर, कुछ पता चला टूटा है लेकिन अभी थोड़ा समझ के चला आया है। ईसीजी में आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इसको, धड़कन देखेगा कहीं दौड़ने में धड़कन तो नहीं बढ़ गई, नॉर्मल मतलब किसी प्रेशर में आपका धड़कन तो नहीं बढ़ जाता है, आपको हार्ट का कोई शिकायत तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं है, सारा चीजें चेक करेगा। दूसरा आपका यूरिन टेस्ट करेगा, पेशाब की चेकिंग कि कहीं आपको किडनी फिडनी का कोई समस्या ना हो, चीजें आपको बिल्कुल स्वस्थ शरीर के मालिक हों आप। तीसरा ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट में कहीं एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है या कोई मतलब डेंगू फेंगू तो नहीं है, पता चला बुखार में दवा खा के आ गए हैं, ब्लड टेस्ट करा लेना, तो वहां पे सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद हाइड्रोसील का टेस्ट होगा और लास्ट में सबसे फाइल्स का टेस्ट, ये कहीं कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता है फाइल टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके होंगे। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा था वो बात ये थी कि मैं आपको बता रहा था कि कितने प्रकार के मेडिकल वो एग्जाम होते हैं, तो अगर मैं उसकी बात कर लेता हूं कि कितने प्रकार के मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड जो सेट होता है वो क्या क्या होता है, तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड सेट होता है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अगर चीजें नहीं दिख रही तो सही ढंग से दिखना वो हो जाए। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो अपने पास कई प्रकार के मेडिकल टेस्ट होते हैं, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है, फिर उसके बाद C1 C2 होता है। तो A1 में ये सारी मानक दृष्टियां होती है, इसीलिए हिंदी में मैंने आपको लिख लिया, आप वीडियो को रोक कर इसको आराम से पढ़ना, ठीक। B1 A1 A3 B1 और आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास B2 होता है, फिर उसके बाद C1 होता है और C2 होता है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जो पुरुषों का मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जाम होगा पुरुषों के लिए, उसमें B2 मेडिकल को स्टैंडर्ड माना गया और महिलाओं के लिए क्या माना गया C1। यहां पर होना क्या चाहिए, विजुअल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए हर पहलू के हिसाब से। और उसके बाद डिस्टेंस का विजन, जब दूर देखते हो तो कम से कम 6x9 या 6x12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मे के साथ और चश्मे के बिना, ध्यान से सुनिएगा,
चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दोनों ही बातें हैं। आप चश्मा लगाते हैं तो भी आपको 6x9 या 6x12 अच्छे ढंग से दिखाई देना चाहिए। यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो, ये 6x9 का है हिसाब किताब, सॉरी ये 6x6 का है, ये 6x9 का है, 6x9 का, यानी कि ये वाला लाइन जो है ना ये आपको स्पष्ट दिखाई दे तो आपकी आंख की दृष्टि जो है 6x9 है। ये किसी भी चश्मे वाली दुकान पर जाके आप टेस्ट करा सकते हैं, ठीक। उसके बाद कहता है नियर विजन जो है वो दोनों आंखों का 0.6 होना चाहिए। चश्मे की दुकान पर जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं विद और विदाउट ग्लासेस, चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दोनों ही बात। अगर कोई चश्मा लगाता है और उसकी दोनों आंखों की दृष्टि 0.6 है चलेगा। रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। आप जब बिल्कुल पास में रख के कोई चीज पढ़ते हैं ना तो ये इसमें रिक्वायर्ड है और इसको जरूर पास करना होगा, इसीलिए नियर विजन टेस्ट होता है जिसमें आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के चीजों को दिखाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा। महिलाओं के लिए सीवन की बात होती है, फिजिकली फिट होना चाहिए हर प्रकार से, चक्कर आता है, उल्टी आती है, सब अपना तब तक दवा जो है खा पी के सही कर लीजिए। डिस्टेंस विजन 6x12 और 6x18 होना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को थोड़ी छूट और दी गई है चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। अगर कोई महिला या कोई बालिका चश्मा लगाती भी है तो उसकी आंखों की दो दृष्टि हो वो 6x12 या 6x18 हो तो उसको लिया भी जा सकता है, ठीक, अगर वो अगले भी इसमें चीजों में क्लियर रहती है। नियर विजन में इनका भी 0.6 है विथ और विदाउट ग्लासेस, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। तो आपका ये जो मन में प्रश्न है सर हम चश्मा लगाते हैं क्या हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे, नहीं, अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपका पुरुषों में इस दृष्टि के साथ है दूर देखने की तो आप फेल नहीं होंगे, महिलाओं का इस दृष्टि के साथ है तो आप फेल नहीं होंगी। अच्छा एक चीज, ये रीडिंग क्लोज रिक्वायर के लिए होती है। जो व्यक्ति चश्मा लगाता है, ये पॉइंट यहां मेंशन नहीं है, मैं मेंशन किए देता हूं, जो भी व्यक्ति चश्मा लगाता है या जो भी महिला चश्मा लगाती है उसके चश्मे की जो पावर है वो 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 डायोप्टर मैक्सिमम ले ली जाएगी, इसके बाद नहीं ली जाएगी। हालांकि 4 डायोप्टर भी नहीं होती, बहुत ये एक बड़ा हो जाता है, जिसको जेनेटिक रूप से आंखों की बीमारियां मिलती हैं उसके लिए इतना बड़ा चश्मा लगता है, नहीं तो लगता नहीं। तो ये सारी चीजें हैं फिजिकल और मेडिकल के लिए, मैंने आपको जो बताया आप बहुत ध्यान से समझकर चीजों को आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आपको कब क्या करना है, वजन उठाने में क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो शुरुआत में ही आप शुरुआत से ही पहले धीमे धीमे दौड़ना शुरू करना। अगर मुझे वो रहा तो मैं एक फिजिकल ट्रेनर को भी बुलाकर लाऊंगा जो आपको इस चीजों को कैसे करना है ये जानकारी देंगे, लेकिन क्योंकि अभी नहीं है हमारे पास, किसी से फिजिकल ट्रेनर से बात हुई थी लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो जब उनके पास समय होगा मैं आपको उससे पहले तक कोशिश करूंगा कि वो आपको आके अच्छे से गाइड कर दे। फिलहाल मैं आगे की बात करता हूं कि जब आप दौड़े शुरुआत से ही, तो शुरुआत से ही टाइमर के साथ दौड़े लेकिन स्पीड में नहीं, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे। शुरुआत में जैसे पहले दिन गए तो बिल्कुल धीमे 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 दौड़ना शुरू किया, और जब आप दौड़े ना तो कोशिश ये करिएगा कि पंजे के बल दौड़े और ये अपना जो बॉडी है ना इसको स्ट्रेट नहीं रखें या पीछे की तरफ नहीं रखें, थोड़ा सा आगे की तरफ रख के, थोड़ा सा आगे आगे की तरफ दौड़ रख के और पंजों के बल दौड़िएगा, ठीक। तो ये सारी जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी थी किसके विषय में, फिजिकल और मेडिकल के विषय में। तो जो बच्चे ग्रुप डी के एग्जाम के बाद फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको इन चीजों का ध्यान देना होगा। चलिए फिलहाल इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। नाम अनुराग दीक्षित, चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।